एक गेट छोड़ दिए है। ऐसे रहे हमारे हेवी ड्राइवर भैया जी, यहाँ पे पहले चीते रहते थे इधर साइड, इधर इधर उसमें तो एक चीता यही है। एक चीता वहां से निकल के भग गया जो कि हमको हाथ में मिल गया। ये देखो येल्लो येल्लो चीता। तो अभी जस्ट उठे, अपना गुड मॉर्निंग भी हो चुका है तो सोचा कि ब्लॉग की शुरुआत की जाए। तो हेलो मेरे गजब दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है अजब गजब ब्लॉग्स में। तो मुझे अपने रोड ट्रिप के बारे में बात करना था। तो लास्ट संडे हमारी रोड ट्रिप होने वाली थी बट अनफॉर्चुनेटली वो कैंसिल करनी पड़ी, और इसका रीजन भी मैं हूं। रोड ट्रिप मैंने ही कैंसिल कराया, बट एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज्यादा थी। अनमोल भाई भी बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि एक तो बहुत टाइम बाद हमारी रोड ट्रिप हो रही थी बट अनफॉर्चुनेटली वो कैंसिल करनी पड़ी। इसका रीजन भी मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था, अपना ये फोन। तो ये जेन्युइन रीजन था कि अपना ये फोन बहुत दिक्कत दे रहा है। एक तो बहुत हीट हो जाता है जब अपन व्लॉग शुरू करते हैं और फिर तुरंत ही बंद हो जाता है, फिर व्लॉग भी प्रॉपर शूट नहीं हो पाता है, तो फिर मजा भी नहीं आता है। तो इसी को ही अपन रोड ट्रिप पे लेके गए रहते हैं, तो आधा रास्ता तो ये हीट ही हुआ रहता और व्लॉग भी प्रॉपर शूट नहीं हुआ रहता, तो बिल्कुल भी मजा नहीं आया रहता। तो इसीलिए मैंने भी अपना रोड ट्रिप कैंसिल कराया, कैंसिल इन द सेंस होल्ड पे रखा है। बट कैसा है, अभी ज्यादा लंबा रोड ट्रिप नहीं कर सकते हैं क्योंकि फोन काफी दिक्कत दे रहा है। बट अभी टाइम आ चुका है अपने इक्विपमेंट अपग्रेड करने का, जिससे अपने व्लॉग में चार चांद लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अभी टाइम आ चुका है एक्टिव होने का। अभी बहुत ठंडा माहौल चल रहा था, अभी भागना पड़ता है भाई, मनी भाई के पीछे मेहनत करनी पड़ती है। और अभी अपन फ्रेश फ्रेश होते हैं, फिर मिलते हैं आपको, दर्शन वर्शन करने जाते हैं मंदिर में। तो अभी नहा के मस्त फ्रेश होके आए थे गणपति बापा के दर्शन करने, अपना दिन का सबसे पहला काम। बट गाइस एक चीज जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, आपको ब्लॉग्स पसंद नहीं आ रही का? क्योंकि ब्लॉग्स में व्यूज बढ़ने से ज्यादा कम हो रहे, तो आपके थॉट जरूर शेयर करना, क्योंकि ऐसे चलते रहेगा तो मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगी। तो आप अपने थॉट जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि ब्लॉग्स में क्या न्यू देखना चाहते हो, क्या अपग्रेड करना चाहिए मेरे ब्लॉग्स में। और साथ ही साथ मैंने एक पोल रखा था चैनल पे, तो वो जरूर जाके चेक कर लेना। तो अभी बैठते थोड़ी देर मंदिर में, सुकून लेते हैं, और वैभव भाई का फोन आया था तो वैभव भाई से मिलते हैं। सो अभी आ गए थे मंदिर से दर्शन करके, और वैभव भाई के साथ भी मिल लिए। वैभव भाई के साथ ज्यादा रुके नहीं क्योंकि ज्यादा काम नहीं था, बस वीडियो लेने थे और वो भी बिजी थे, तो फटाफट वीडियो लेके अभी घर आ गए। और अभी अपना फरार भी लग गया है। सो आज थर्सडे है तो अपना फास्ट रहता है, तो अभी फरार लग चुका है। सो अभी फरार करेंगे। तो ये रहा अभी अपना फरार, ये रही लाही, ये रहा जूस आम का, तरबूज, और ये रहा श्रीखंड। ये रहा श्रीखंड वाले का फ्लेवर्ड श्रीखंड है, इसमें पाइनएप्पल फ्लेवर है, बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं इनके श्रीखंड फ्लेवर वाले। और ये रहा दाने का कुट। सो अभी ये अपना फरार एंजॉय करते हैं। तो अभी मैं आ गया था अपना वर्किंग स्टेशन, और अभी मैं ये G20 वाला रील एडिट कर रहा था भाई। G20 के टाइम नागपुर की वाइब भी कुछ और थी, बहुत ही ज़बरदस्त सजा गया था, और ये पल अपन भूल के भी नहीं भूल सकते। तो इसीलिए मैं अभी सोच रहा था कि G20 के लिए एक मस्त सा रील बनाया जाए, क्योंकि G20 जब आया था तब मैंने रील नहीं शूट किया था। फिर इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि अपने गेमिंग चैनल पर थोड़ा स्ट्रीम वीम किया जाए एक आध घंटे की, फिर उसके बाद अपन सीधा शाम में चिल करने निकलेंगे, तब मिलते हैं। सो अभी जो स्ट्रीम खत्म करके छत पर आए थे ऐसी टहलने, मौसम देखा तो भाई देखिए कितना ज़बरदस्त बना है। सो ऐसी मौसम चल रहा है अभी नागपुर में, दोपहर में एकदम कड़क धूप रहती है और शाम में एकदम ठंडा मौसम हो जाता है और मस्त बारिश वारिश गिरती है, एकदम चिल्ड। और ऐसी मौसम अभी रहना चाहिए क्योंकि गर्मी में भाई पूरी हालत टाइट हो जाती है। अभी तो अप्रैल का महीना चालू है और अब तक के प्रॉपर धुपकला नहीं पड़ा है, ऐसी ठंडा मौसम चल रहा है, तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है ये मौसम। तो अभी देखते हैं, थोड़ा टाइम लैप्स लेते हैं, और अभी थोड़ी देर छत पर टहलते हैं, फिर उसके बाद अपन फ्रेश फ्रेश होंगे, फिर अनमोल भाई और वैभव भाई को फोन करेंगे, फिर निकलेंगे अपन चिल करने के लिए। तो जब भी जो मैं कह रहा था कि शाम में पूरा वेदर चेंज हो जाता है, अभी देखे भाई भयंकर हवा चालू हो गई, पूरे बादल आ गए, और ये व्हाइट फूल के झाड़, यहाँ देखे पूरा कचरा हो जाता है। सो अभी चलते घर के अंदर, अपना खाना लग गया है, अभी उपवास छोड़ने का वक्त आ गया है। तो ये रहा अपना खाना, ज़बरदस्त कुड़िया, आम का रस और आलू की सब्जी। सो अभी खाना एंजॉय करेंगे अपन। तो ये रहा आम का रस और कुड़िया, भाई लव है लव, ये मस्त लगता है, एक नंबर। अभी जा रहे घर, अभी बारिश भी आ रही है और कहीं निकले नहीं।
अभी कल निकलेंगे अपन वापिस से। और ये देखो बारिश जोरों से आ रही है बहुत। सो गाइस आज है नेक्स्ट डे और कल का ही ब्लॉग अपन कंटिन्यू रख रहे हैं क्योंकि कल अपन निकलने वाले थे रात में बट बारिश आ गई थी, फिर ब्लॉग कैसा छोटा रह जाता था इसलिए फिर आज ही कंटिन्यू कर रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रेच कर रहे हैं ब्लॉग को। और भाई मौसम देखिए क्या ज़बरदस्त बना हुआ है अभी, और कल भयंकर बारिश एकदम, मतलब रात में इतना भयंकर चेंज हो गया और तूफान वाली बारिश आ गई थी। सो फिर निकलने भी नहीं मिला, सो अभी निकले, सो अभी जा रहे हैं अनमोल भाई को पिक करने। और अर्ली मॉर्निंग भी नहीं है अभी, अभी बज रहे 8:45 बट ऐसा है गर्मी जैसा लग भी नहीं रहा, एकदम ठंडा ही लग रहा है अभी भी क्योंकि मौसम बहुत ज़बरदस्त चल रहा है अभी पूरा चिल्ड वाला नागपुर में। तो अभी चलते हैं अनमोल भाई को पिक करते हैं, और अभी डिसाइड नहीं है कहाँ जाना है क्या करना है, तो अभी अनमोल भाई को पहले पिक करते हैं फिर इसका डिसाइड करते हैं। तो अभी आए थे बालोद्यान वॉकिंग करने के लिए, और ये रहे अपने कौन दादू। और ये देखिए यहाँ के पेड़ भाई पूरे जबरदस्त बड़े बड़े, और अभी वेदर भी सही है, पूरे बारिश वारिश आके आई तो वापस से फिर हरियाली छा गई यहाँ पे, नहीं तो पूरे सूख गए थे। और अभी थोड़ी वॉकिंग वगैरह करेंगे, और यहाँ पे देखो रेलवे ट्रैक है, यहाँ पे बज रहे हैं भाई 9, हम 9 बजे कभी निकलते नहीं है लेकिन आज का वेदर काफी ज्यादा ठंडा है, हाँ इसलिए निकल रहे हैं अभी। मस्त अभी वॉकिंग करेंगे, और ये अपनी छोटी ट्रेन चलती थी उसकी पटरी, यहाँ से भी जाएंगे अभी सीधा सीधा अपन बालोद्यान, चालू होने वाली है बोलते। सो अभी वॉकिंग करते करते थोड़ा अंदर आ गए थे, और भाई यहाँ पे आवाज देखिए क्या जबरदस्त, पूरा एकदम 2 मिनट शांत रहता और आवाज सुनिए कैसी आ रही है कीड़ों की। पूरा एकदम शांत माहौल है, और भाई मस्त एकदम पक्षियों की आवाज़ आ रही है। तो अभी चलते और आगे आगे वॉकिंग करते हुए और कुछ मिला नज़ारा तो बताते आपको। तर अनमोल सेठ अमरूद पिया जाएगा? नहीं क्या अमरूद ऐसा सगे डास वास से फ्लेवर भेटन आप। और ये देखो मधुमक्खी का छत्ता। और अर्जुन को पहचानता क्या तू? नहीं पहचानता, ये तो है अर्जुन। अर्जुन पेड़ है। तो अभी ये चढ़ाव चढ़ना है अपने को, फिर अपन आ जाएंगे अपने ट्रैक पर रेलवे वाला। सो मजा तो आता है ना अनमोल? मजा तो आ रहा है भाई, वेदर हरियाली सब कुछ सब एक प्लेस पे जबरदस्त। सो अभी हम बैठे थे मिनी ट्रेन का स्टेशन, सब यहाँ से बैठते थे ट्रेन में, और यहाँ से ये घुमाने ले जाती थी पूरा बालोद्यान। सो और वो रहा तहखाना, वहाँ पे है ट्रेन छुपी हुई, वहाँ रखते थे ट्रेन को। और ये रहा हीरो, रील वील चालू है, मस्त रील वील शूट किए, जल्दी से डालेंगे। और अभी चलते हैं घर, ठीक है अनमोल भाऊ? ठीक है भाई। मजा आला? ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो अभी घर वर चलते हैं, फ्रेश वेश होएंगे। तो सुबह हम बालोद्यान से आ गए थे, फिर उसके बाद नाना खाना वाना हुआ मस्त, फिर अभी दोपहर हो चुकी है एक नंबर, बाहर धूप निकली है और यहाँ पे हमारी स्ट्रीमिंग चल रही है। तो अभी बताएंगे नहीं ज़्यादा कुछ क्योंकि बार बार वही भी क्या बताना। सो अभी सीधा अपन शाम में निकलेंगे चील करने के लिए, ठीक है? ठीक है ना भाई, ठीक है। और आज का सेटअप देखो, हाँ दिया मस्त, पूरा LED पूरा ऐसा लग रहा प्रो स्ट्रीमर है। सो अभी अपने स्ट्रीमिंग एंजॉय करते हैं अपन। तो गुड मॉर्निंग गाइज, अभी शाम हो गई, अभी निकले अपना वापस से घूमी घूमी, और ये हम नहीं तोड़ेंगे। अभी देखते हैं कहाँ जाना है क्योंकि अपना पहले हॉर्न बजा ले भैया, हॉर्न बजा ले, पूरा रोड खाली है फिर भी पूरा हॉर्न बजाते हुए जाएगा वो। तो अभी पहले अपना ब्लॉग बहुत लंबा हो चुका है तो ज्यादा खींचेंगे नहीं इसको, बस अभी थोड़ा सा चक्कर वक्कर मारेंगे, फिर कुछ ठंडा गर्म करेंगे और फिर निकल जाएंगे, फिर निकल जाएंगे। अभी चलते हैं, मिलते हैं आपको सीधा कहीं जाते तब, और रोडों का मजा लेते हुए, ठंडा ठंडा वेदर भी है एक नंबर। तो अभी हम आए थे VCS स्टेडियम के पास लाड़ाजी कुल्फी, और अपना ये आइसक्रीम लिए लाड़ाजी कुल्फी में से, वैभवसा कौन सा है बटर स्कॉच और मेरा चॉकलेट, तो इसको अपन एंजॉय करेंगे। और वीडियो की एंड ऐसा ज़बरदस्त आइसक्रीम के साथ करते हैं।
तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर भी करना। तो भी आ जाओ लाजू ना साइनिंग ऑफ।